हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हिंदी किस बॉट के इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइबर के प्लान्स के बारे में। डिटेल में सारे प्लान्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है। अगर आप नया जियो फाइबर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो कौन कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए नए कनेक्शन को लेते समय। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं जियो फाइबर के प्लान्स के बारे में। सबसे पहला प्लान है वो 399 रुपए का है, हमारा ब्रॉन्ज प्लान है। और इसमें आपको 30 Mbps की स्पीड मिलती है, अनलिमिटेड वॉइस है, लेकिन इसमें कोई भी OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिलता है। दूसरा प्लान हमारा सिल्वर प्लान है, जो 699 रुपए का है और 100 Mbps की इसमें स्पीड मिलती है। इसमें भी आपको अनलिमिटेड वॉइस है, इसमें भी OTT प्लेटफॉर्म का कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिलता है। तो जियो फाइबर में ये जो दो प्लान है, इन दो प्लानों में आपको OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है। बाकी इसके बाद जितने भी प्लान स्टार्ट हैं आपके सिल्वर प्लान के बाद, जितने भी प्लान आप अगर लेते हैं तो सब में आपको OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगला प्लान है हमारा गोल्ड प्लान, 999 रुपए। इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे, 150 Mbps की स्पीड मिलेगी, अनलिमिटेड वॉइस है और 11 ऐप्स मिलती हैं टोटल, वर्थ ₹1000 मंथली सब्सक्रिप्शन। 1000 रुपए की 11 ऐप्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा इसमें OTT प्लेटफॉर्म जो हैं। अगला प्लान है हमारा 1499 रुपए का, इसका नाम है डायमंड प्लान। 300 Mbps की ये स्पीड देता है आपको और इसमें आपको 12 ऐप्स मिलती हैं। इससे ऊपर वाले प्लान में आपको 11 ऐप्स मिलती थी, इसमें आपको टोटल 12 ऐप्स मिलती हैं, जिसकी कीमत 1500 रुपए है। मंथली सब्सक्रिप्शन आपको इसका मिल जाएगा। फिर हमारा आता है डायमंड प्लस प्लान, 2499 रुपए का ये प्लान है। 500 Mbps की स्पीड मिलती है और 12 ऐप्स भी आपको मिलती हैं 1500 रुपए की मंथली। एक मंथ आप इनका सब्सक्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगला प्लान है हमारा 3999 रुपए का, जिसको हम प्लेटिनम बोलते हैं। ये 1 Gbps की स्पीड आपको देता है और इसमें भी अनलिमिटेड आपकी जो वॉइस है वो मिलेगी, साथ में 12 ऐप्स मिलेंगी 1500 की मंथली सब्सक्रिप्शन के साथ। और लास्ट प्लान जो है, ये सबसे महंगा प्लान है जियो फाइबर का, 8499 रुपए इसकी कीमत है और टाइटेनियम इसका नाम है। 1 Gbps की इसमें भी आपको स्पीड मिलती है और साथ ही इसमें 12 ऐप्स हैं, जो 1500 की मंथली सब्सक्रिप्शन आप इसका ले सकते हैं। तो ये सारे प्लान थे, 399 रुपए से ये स्टार्ट हैं और 8499 रुपए तक जाते हैं। सबसे शुरुआती प्लान आपका ब्रॉन्ज है और फिर लास्ट टाइटेनियम है। स्पीड आपकी मिनिमम 30 Mbps तक इसमें मिलेगी और मैक्सिमम स्पीड जो है वो 1 Gbps तक की इसमें मिलती है। सो प्लान्स की डिटेल तो मैंने आपको बता दी। अब क्या आपको जियो फाइबर का कनेक्शन लेना चाहिए? अगर आप न्यू यूज़र हैं या फिर अपने दूसरे नेटवर्क प्रोवाइडर से जियो फाइबर में आना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। जैसे सबसे पहले ये जान लीजिए आपके एरिया में जियो फाइबर की कनेक्टिविटी है या फिर नहीं है, और अगर कनेक्टिविटी है तो आसपास अगर कोई जियो फाइबर यूज़ कर रहा है तो आप उससे स्पीड की जानकारी ले सकते हैं। प्रैक्टिकली होता क्या है कि जो स्पीड हमें ऑन पेपर दिखती है, रियलिटी में वो स्पीड डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि आपके एरिया में जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उसकी स्पीड उतनी अच्छी ना हो। तीसरी बात, जो भी प्लान आप चूज़ कर रहे हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ कीजिए। ऐसा ना हो कि आप सस्ते के चक्कर में आप ज़्यादा इंटरनेट वाला प्लान ले लें लेकिन वो आपका वेस्ट जाए। यहाँ पे एक सवाल और उठता है, अगर आप पहले से जियो फाइबर की सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो क्या नए प्लान में शिफ्ट हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए आधिकारिक तौर पे हमें अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन कुछ यूज़र्स ने इसको लेकर ट्वीट किया है जिसमें उन्हें SMS मिले हैं। इन SMS में लिखा हुआ है कि आपके पुराने प्लान को जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें आपको 150 Mbps तक की डाउनलोड स्पीड मिलेगी। इसके बारे में ऑफिशियल अभी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है, जैसे ही इससे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम आने वाले वीडियोज़ में आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो ये थे जियो फाइबर के सारे प्लान, मैंने आपको बता दिए हैं। 399 रुपए से ये प्लान शुरू हैं और 8499 रुपए तक का जो सबसे महंगा प्लान है वो मिलता है आपको। OTT सर्विस हैं वो आपको 999 रुपए से मिलेंगी, यानी 999 रुपए के बाद के जितने प्लान आप रिचार्ज कराएंगे उसमें सब में आपको फ्री OTT के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। 12 OTT प्लेटफॉर्म है, मैंने आपको बताया कि उसमें से मिलेंगे। तो अगर आप कोई पुराना कनेक्शन जो है उसको हटाना चाहते हैं, जियो फाइबर कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये सारी बातें हैं ध्यान में रखिएगा। अगर आप ये सारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, ये सारे फीचर्स पाना चाहते हैं, तो आप नया कनेक्शन ले सकते हैं।
नया कनेक्शन लेना बहुत आसान है। आप जैसे ही अपनी ऐप खोलेंगे या फिर मोबाइल में आप उसे खोलेंगे, आपको अपनी लोकेशन ऑटोमेटिक देनी होगी या फिर मैनुअली आप अपनी लोकेशन भर के नए कनेक्शन की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए हिंदी की।